मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। झूठ बोलते हैं बाकी सब लोग, है ना, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे बजती हैं सहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा की अपनी बाहों में, सिमट रही है शर्मा के अपनी बाहों में। ओके नाउ ये हमने क्या पढ़ा है? हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके रिप्रोडक्शन, पहले रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है देखो। आओ पढ़ाएंगे यार थोड़ा। ये उल्टा क्यों दिखता है? ओह माय गॉड, अबे अच्छा अब समझे। इसको ऐसे बनाए हो तो सीधा दिख रहा है, ऐसे बनाए तो उल्टा अच्छा दिख रहा है। वाह, तो कोई बात नहीं, उल्टा समझते हैं ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब री एंड प्रोडक्शन मतलब री मतलब अगेन मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, सिंपल सी बात है। ऐसा और ये जो अपने आपको पुनः सामने देखो ना, आँख में देखो, उधर क्यों देखते हो? हाँ अब देखा तुमने सामने, हाँ सामने देखना, पक्का सामने देखना, समझ गया ना। ओके इसके दो ट्राइब हैं, असेक्सुअल सेक्सुअल। ओके असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके असेक्सुअल एक्चुअली होता क्या था, पहले बहुत सारे क्वेश्चन जब स्टेट मेडिकल एग्जाम होते तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते थे असेक्सुअल पे। असेक्सुअल मतलब जिसमें क्या है, असल एक एग्जाम्पल समझो, असेक्सुअल एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे लाइक एक शुगर केन का एग्जाम्पल लिया, शुगर केन, अरे गनवा नहीं चूसे हो का, तो वह बात है गन्ना ठीक है। शुगर केन का एग्जाम्पल लिया, अगर शुगर केन को आप कट पोर्शन बहुत सारे कट लो, फिर भी उसको सॉइल में मतलब जमीन गाड़ दो, तो देखो कि वो अपने आप उगाएगा, मतलब उससे एक नया प्लांट ग्रो कर देगा, नया गन्ना बन जाएगा, नया शुगर प्लांट ग्रो कर जाएगा। देखो 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 देखो, हमने तीन पोर्शन यहाँ पे करके दिखाया यहाँ पर ठीक है। दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, एक सिंगल पेरेंट्स की ही जरूरत होती है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको भी पता है हम लोग कैसे किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई मेल हुआ, मम्मी पापा मिले होंगे, देन हम पैदा हुए, तो भाई दैट मीन्स नोन एज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके अब दो तीन पॉइंट है इसके अंदर असेक्सुअल वाले, कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। अच्छा सिंगल पेरेंट इसमें क्या होगा, ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही ओवा सॉरी गैमीट का फॉर्मेशन, भाई ओवा स्पर्म गैमीट, तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता तो फ्यूजन नहीं होता, जब फॉर्मेशन फ्यूजन है ही नहीं तो अच्छा बताओ क्या इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस में होता है ना गैमीट्स में, चूंकि यह मियोसिस है नहीं, गैमीट्स है नहीं, तो मियोसिस का घंटा होगा, और जब मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर क्या है सेल डिवीजन में बताएंगे, तो क्रोमोसोम मिलते हैं आपस में लेन देन होता है, याद है मटेरियल का ठीक है, जिसके कारण क्या होता है उसको कंडीशन को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर है नहीं होगा तो वेरिएशन का खाक हुई है, और जब वेरिएशन है नहीं हुई है, वेरिएशन मतलब विविधता ही नहीं आएगी, तो इवोल्यूशन कहाँ से होगा, लाइन सुनी है ना, वेरिएशन इज द की ऑफ इवोल्यूशन, विविधता ही विकास की कुंजी है, जब विविधता ही नहीं होगा विकास का घंटा हुई है, इसीलिए सुने हो कि नहीं,
जब विविधता बैठनी, नो मियोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर, नो वेरिएशन, देन नो इवोल्यूशन, तभी देखो, ठीक है, समझ लेना। और सेक्सुअल में क्या है, सेक्सुअल में सिंपल सी बात, गैमेट का फॉर्मेशन फ्यूजन होता है, जिसका प्रोडक्ट हम लोग हैं, एनिमल्स ज़्यादातर, और क्या। ओके फिर, बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, टाटा।